मोदी को छोड़ो, अब तो किसी भी सरकार पे भरोसा नहीं रहा। मोदी की पूरी सरकार, मंत्री, एमएलए, एमपी, सभी के सभी क्राइम कर रहे हैं। 20-20, 50-50 मुकदमे हुए पड़े हैं। हमारी तो औकात नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट थाने के गेट तक नहीं जा सकते हैं, वहाँ तो भगा देगा, क्योंकि यही चलता है पूरे हिंदुस्तान में। FIR दर्ज कहाँ करता है? ये सरकार गुंडों की है, ये सरकार क्रिमिनलों की है, और पुलिस भी इनकी अपनी हो गई है। तो ये बेटियों को छोड़ो, ये किसी को भी न्याय नहीं देंगे। कहाँ से आए आप? अंबाला से। तो क्या लग रहा है, बेटियों को इंसाफ में इतनी देरी क्यों? ये सरकार चोरों की है, ये सरकार गुंडों की है, ये सरकार क्रिमिनलों की है, और पुलिस भी इनकी अपनी हो गई है। तो ये बेटियों को छोड़ो, ये किसी को भी न्याय नहीं देंगे। तो आप लोग पोस्टर पे लिख के ले आए हैं, गुंडा का गुंडा मुर्दाबाद। आज तो ये शुरुआत है, अब तो इनको एक एक को जेल में पहुंचवा के छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, चीफ जस्टिस ने अगर आदेश दे दिया है तो इस देश की चाहे पूरा का पूरा प्रशासन मोदी के साथ हो जाए, चीफ जस्टिस के साथ हम खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। अंदर करवा कर आप गाली दे रहे हैं, संवैधानिक शब्द बोल रहे हैं। और उसने तो बहुत वो संवैधानिक पद पर कैसे बैठा है, वो इतना बड़ा काम करके FIR दर्ज होने के बावजूद संवैधानिक पद पर बैठा है वो। सर कानून है भारत में, कानून की प्रक्रिया होगी, तभी जांच कमेटी भी तो बैठी है इसमें। तो सबसे पहले उसको गिरफ्तार होना था, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया चलनी थी। अगर पॉक्सो एक्ट किसी और के ऊपर लग जाता तो अब तक वो जेल के अंदर होता, और ये अपने संवैधानिक पद पर बैठे हैं। अभी तक इस्तीफा तक नहीं लिया गया इसका, मोदी भी चुपचाप बैठा है आराम से। मोदी जी कर्नाटका चुनाव में व्यस्त हैं, ध्यान देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कर्नाटका चुनाव में बैठा तो देश का प्रधानमंत्री से पद से इस्तीफा दे दे, कर्नाटका का चुनाव लड़ ले, पूरे देश की चिंता कौन करेगा, देश सड़कों पर खड़ा है। क्या भरोसा नहीं है मोदी जी पे? मोदी को छोड़ो, अब तो किसी भी सरकार पे भरोसा नहीं रहा। मोदी की पूरी सरकार, मंत्री, MLA, MP, सभी के सभी क्राइम कर रहे हैं। 20-20, 50-50 मुकदमे हुए पड़े हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। उल्टा वो MP, MLA बढ़ के पेंशनें खा रहे हैं, तनख्वाहें खा रहे हैं। जनता चुनती है तभी ना MP, MLA बनते हैं। जनता, ये तो EVM मशीन का खेल है, वोट किसी को डालो जाएगी मोदी को ही। और भी लोग हैं, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही है। आप दिल्ली से हैं, बेटियों के समर्थन में आए हैं, क्या लग रहा है? रोजाना आते हैं समर्थन में, करना उचित है, जरूरी है, क्योंकि हम भी दो बेटी को पाल रहे हैं। और तो क्या कहीं ना कहीं डर सताता है कि जब ये सताएगा? हम तो मजदूर आदमी हैं, ऑटो चलाते हैं, हैं, कल हमारे बेटी के साथ कोई मामला हो जाए तो हमारी तो औकात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। वही तो सवाल सर मेरा है कि जब गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हैं, इतने बड़े खिलाड़ी के साथ यौन शोषण हुआ और FIR तक हुआ, हमारी तो औकात नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट थाने के गेट तक नहीं जा सकते हैं, वहाँ तो भगा देगा, क्योंकि यही चलता है पूरे हिंदुस्तान में। FIR दर्ज कहाँ करता है? गरीबों की सुनवाई नहीं करता है भाई, ये तो बहुत खेल पहले ही खत्म हो गया, 90 के बाद ही खत्म हो गया। ये आम लोगों का जीना बहुत दुश्वार हो गया, कैसे जी रहे हैं ये भगवान के सहारा। ये कानून व्यवस्था कहीं कुछ नहीं है, चौपट है। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ, बाल बच्चे का पालन पोषण करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और क्या करूँगा। समर्थन देने के लिए रोज आता हूँ कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे क्रिमिनल को जेल में होना चाहिए। और वो बयानबाजी कर रहा है, ये हिंदुस्तान पे कलंक है, इन्हें फौरन जेल के अंदर होना चाहिए, इस पर सख्त से सख्त कानून होनी चाहिए, फांसी की सजा भी होनी चाहिए इस पर। ये एक अभी आरोप नहीं साबित नहीं हुआ है, अभी आरोप बयान दे दी है, खिलाड़ियों ने बयान दे चुका है, उसके साथ जो घटना घटी है उस पर उन्होंने अपना बयान दर्ज करा दिया है। उन्होंने कोई झूठा बयान नहीं दिया है, जो झूठे लोग नहीं है आपके जैसा, आप 15 लाख वाले हैं, अच्छे दिन वाले हैं, आप तो झूठ पे झूठ बोला करते हैं। अभी 3-4-5 दिन पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया
तो कहा कि बजरंग दल पे बैन करेंगे क्योंकि ये इन्होंने हिंसा फैलाता है, ये संगठन जो है हर जगह हिंसा फैलाता, बिहार में अभी हिंसा फैलाया था। इस वजह से कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जारी किया कि बजरंग दल पे, इन्होंने बजरंग बली का नाम ले लिया, मतलब एक दूसरे समुदाय को टारगेट करना कि वोट बैंक बनाने का। ये प्रधानमंत्री आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इतना छोटा मोटा खेल नहीं होता है, ये भारत के प्रधानमंत्री है। वो तो अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लगा और बिल्कुल गलत बात है, तानाशाही में तब्दील हो गया है। ये पहला प्रधानमंत्री इस टाइप का आया है, तानाशाही अच्छे दिन लाने वाले, सपना दिखाने वाले, किए कुछ भी नहीं, किए कोई विकास नहीं। सिलेंडर देखो कितना महंगा, 1200 रुपया, मगर क्या है असल में, बीच में दीवाल डाल दिया है, हिंदू मुस्लिम के आर में ये जी रहा है, यानी कि हिंदू मुस्लिम पे ही भाजपा टिकी हुई है। और कर्नाटक में ये इलेक्शन लड़ने नहीं गया है, हिंदू मुस्लिम करने गया है, ये इलेक्शन नहीं लड़ता है, ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ करता है। और जो लोग अनभक्त है इसके बहकावे में आता है, झांसे में आता है, वोट करता है, मगर वोट देने के लायक नहीं है। अगर सच्चा संविधान के संवैधानिक लोग है, इसे वोट नहीं देना चाहिए, उस लायक नहीं, उस हैसियत के लोग नहीं है ये भाजपा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या लग रहे हैं, बेटियों को न्याय मिल पाएगा कि कोशिश की जा रही है, और हमें संविधान में विश्वास है, हमारी न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास है, पर जो देश के जो अभी रक्षक बन के बैठे हुए हैं वो भक्षक की भूमिका में है। मोदी सरकार के अगर पुराने जितने भी कर्म हैं उनको देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि निष्पक्ष न्याय मिलना जायज होगा, मिलेगा। यानी कि अभी डर सता रहा है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी कि नहीं। अभी ऐसा नहीं लग रहा कि निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि सरकार की जो भूमिका है उसके ऊपर हमें शक है, और जब तक ये आम जनमानस इस लड़ाई में अपना योगदान नहीं देगा तब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनेगा। तो हमारी सभी से गुजारिश है कि सभी लोग इस न्याय व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कृपया आगे आएं। मोदी जी पे भरोसा नहीं है? नहीं, मोदी जी पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी जिन लोगों के चुनने से, जिन लोगों के साथ लेके आए हैं, वो लोग गलत हैं। और अभी मोदी जी की खुद की अपनी जो पुरानी कहानियां रही हैं वो बड़ी रंगीली कहानियां रही हैं, तो इसलिए हमें नहीं लगता कि उनके कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि अब हमें न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं रहा, लगातार लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि अब न्याय पे हमें भरोसा नहीं रहा। ये लोग लगातार बैनर पोस्टर लेके, तमाम स्टूडेंट हो या किसान हो, सब लोग एकजुट हो चुके हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।